प्यार एक ऐसा शब्द है जिसमें ना इंसान की उम्र देखी जाती है, ना रंग रूप और ना ही उसका धर्म। जो बिना किसी धर्म और रंग रूप देखे हो जाए वही प्यार कहलाता है। फिर चाहे उस प्यार के साथ रहने के लिए इंसान को कितनी ही मुसीबतों का सामना क्यों ही ना करना पड़े। ऐसा ही उदाहरण देती है हमारी ग्लैमरस इंडस्ट्री की कुछ हस्तियां, जिन्होंने अपने प्यार के खातिर अपना धर्म तक बदल दिया। चलिए जानते हैं उन सितारों के नाम। शर्मिला टैगोर। शुरुआत बीते जमाने की हीरोइन शर्मिला टैगोर से ही कर लेते हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान नवाब मंसूर अली खान पटौदी से शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। धर्म बदलने के बाद उन्होंने अपना नाम बेगम आयशा सुल्ताना रखा। अमृता सिंह। अमृता सिंह ने भी दूसरे धर्म में शादी की थी। पंजाबी सिख परिवार में जन्मी अमृता ने सैफ अली खान से छिपकर शादी की थी। दोनों की शादी ज्यादा नहीं चल पाई, मगर आज अमृता सैफ की यादों के साथ और अपने बच्चों के साथ रहती हैं। करीना कपूर। शर्मिला के परिवार में उनके बेटे सैफ ने भी ये बात साबित कर दी कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई चीज रुकावट नहीं डाल सकती। जी हाँ, जैसे कि सभी जानते हैं कि करीना कपूर हिंदू हैं, जबकि सैफ मुस्लिम हैं। मगर फिर भी शादी के बाद करीना ने अपने नाम के पीछे करीना कपूर खान लगाया। आयशा टाकिया। अभिनेत्री आयशा टाकिया के पिता हिंदू और माँ ब्रिटिश हैं। वहीं आयशा ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे फरहान से शादी की है। इनकी शादी मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार हुई। मीडिया में खबरें आई कि आयशा ने शादी के बाद धर्म परिवर्तन किया है, हालांकि आयशा की तरफ से कभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई। नरगिस दत्त। संजय दत्त की मां नरगिस मुस्लिम होते हुए हिंदू सुनील दत्त से प्यार करने लगी। अपने प्यार को पाने की खातिर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। शादी के बाद उनका नाम निर्मला रखा गया। हेजल कीच। बॉलीवुड की अभिनेत्री हेजल कीच ने क्रिकेटर युवराज सिंह से शादी की। दोनों की शादी सिख धर्म के अनुसार हुई। शादी के बाद हेजल ने अपना नाम गुरबसंत कौर रखा। ममता कुलकर्णी। आशिक आवारा जैसी फिल्मों में काम करने के बाद एकदम से बड़े पर्दे से गायब हुई ममता कुलकर्णी के बारे में खबर आई थी कि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। दीपिका कक्कड़। टीवी सीरियल ससुराल सिमर का की सिमर यानी दीपिका कक्कड़ ने भी प्यार के खातिर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। उन्होंने हिंदू होते हुए मुस्लिम धर्म अपनाया। शादी के बाद अपना नाम बदल कर फैजा रखा। धर्मेंद्र। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र ने भी अपनी शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया। उन्होंने साल 1989 में इस्लाम अपनाया था। दरअसल धर्मेंद्र अभिनेत्री हेमा मालिनी से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। हालांकि वो पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हेमा को अपना जीवन साथी बनाने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था। महेश भट्ट। महेश भट्ट ने अपनी दूसरी पत्नी सोनी राजदान से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपनाया था। ए आर रहमान ने हिंदू परिवार में जन्म लिया था। उनका असली नाम दिलीप कुमार था, मगर शादी के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। अपना नाम बदलकर ए आर रहमान रखा था।